हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ पार्ट 5 ऑफ न्यू यूपी टेनेंसी एक्ट 2021। सो जो मेरे चैनल पे नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल मैं अभी चैनल पे यूपी लोकल लॉज पढ़ा रही हूँ। नया टेनेंसी एक्ट आया है 2021, सो उससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। सो आज का डिस्कशन होगा रिलेटेड टू द अपील टू द रेंट ट्रिब्यूनल, किस तरीके से अपील फाइल की जाती है, डिस्पोजल का टाइम, वो सब। तो मेंस में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिस्कस द प्रोविजन ऑफ अपील टू द रेंट ट्रिब्यूनल। अब सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिक पूछा है रेंट ट्रिब्यूनल के पास जो अपील फाइल की जाती है तो उसका प्रोविजन क्या है। सो है यू हैव टू राइट सेक्शन 35। मैंने आपको बताया था कि रेंट अथॉरिटी सेक्शन 30 और उसके बाद रेंट अथॉरिटी सेक्शन 30, देर आफ्टर रेंट ट्रिब्यूनल सेक्शन 32 में था आपका। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी, पावर्स आपके सेक्शन 34 में थे दोनों के। थोड़ा नाउ यू हैव सेक्शन 35। देखिए सेक्शन 35 में इट इज़ रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ अपील टू द रेंट ट्रिब्यूनल। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे ही आपका रेंट अथॉरिटी ने एक ऑर्डर पास किया, सो द पर्सन हु इज़ बीन अग्रीव बाय दैट ऑर्डर, 30 दिन का टाइम होता है, विद इन 30 डेज ही कैन प्रेफर एन अपील बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट ट्रिब्यूनल को 60 डेज के अंदर उस अपील को डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। रेंट अथॉरिटी ने जो भी कोई ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को वो कंफर्म कर सकता है, सेटिसाइड कर सकता है या फिर मॉडिफाई कर सकता है रेंट ट्रिब्यूनल। सो ये एक नॉर्मल सी बात है, जो इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। तो 30 दिन और 60 दिन का टाइम जो है उसे ध्यान में रखना। मेंस में क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे उसमें। बट एक खास बात ये है कि अपील जो एडमिट नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस 50% ऑफ द एंटायर अमाउंट वट एवर वॉज मैंशनड अंडर द ऑर्डर ऑफ द रेंट अथॉरिटीज़ बीन पेड। यानी कि रेंट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर दिया था, फॉर सपोज में 10,000 रुपये अमाउंट था जो पे करना था, ठीक है, तो उसका 50% पे करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे अपील एडमिट होगी रेंट ट्रिब्यूनल के सामने। यानी कि 10,000 का कितना 50%, 5,000 रुपये हुए, 5,000 रुपये पे करिए तब जाके अपील एडमिट होगी। देर आफ्टर रेंट ट्रिब्यूनल कैन इवन अलाउ फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन अपील। अलाउ कर सकते हैं बट मोर देन वंस नहीं, मतलब एक बार से ज़्यादा नहीं करेंगे ड्यूरिंग द हियरिंग। इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स भी पास हो सकते हैं आपके ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील। सो ये बहुत ही कॉमन सेंस ही बात है, तो इसे ध्यान में रखना आप। सो दैट्स इट ऑन सेक्शन 35। सो सेक्शन 35 में आपको कुछ नहीं याद नहीं रखना है खास, 30 डेज का टाइम याद रखना है कि 30 दिन के अंदर जो है फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द रेंट अथॉरिटी अपील फाइल होती है आपके ट्रिब्यूनल के सामने। ट्रिब्यूनल को 60 डेज में जस्ट डबल कर देंगे, 60 डेज में डिसाइड करना पड़ता है, और जो ऑर्डर पास किया कन्फर्म सेटिसाइड मॉडिफाई भी हो सकता है। एंड देर आफ्टर मैंने आपको बताया कि 50% जो है अमाउंट पे करना पड़ता है यहाँ पे, तब जाके वो एडमिट होता है अपील आपके यहाँ पे। सो सेक्शन 35 ओवर हुआ। तो अगर ये आता है आपका प्रोविजन लिखने के लिए, अब आप लोग आसानी से लिख सकते हो। सो इस चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो फिलहाल यही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, पावर, फंक्शंस एंड द अपील। सो 30, 32 एंड 35 दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज वेल एज 34। सो इसे आप लोग मेंस के हिसाब से प्रिपेयर कर लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद ये जो आपका एक्ट है लास्ट वीडियो आएगा, फिर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है, कुछ बचा नहीं है इसके बाद भी, बट स्टिल आप अपने एंड से भी पढ़ लेना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।